ये वक्त है अपने सफर की अगली सीढ़ी चढ़ने का। मलाई बर्फी, मीठी मीठी टॉफी, काजू पिस्ता कुल्फी, अंदरूनी शक्ति, अंदरूनी शक्ति। तेरे पंख मेरा पानी। इसका मतलब मैं अब ड्रैगन योद्धा नहीं रहूंगा? तुम शांति की घाटी के अध्यात्म गुरु बनने वाले हो। डायलन, तुम्हारी फैन हूँ। यहाँ तो खाने की भूख और बढ़ रही है। तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, यानी कमेलियन। और मुझे कहाँ मिलेगी ये कमेलियन? एक बार मेरे हाथ हर मास्टर विलन का कुंग फू लग जाए। हमारा मुकाबला एक फौज से। तो हमें भी अपनी एक फौज खड़ी करनी होगी। यहाँ तक कि महान ड्रैगन योद्धा भी नहीं। वो कौन है? शक्तिशाली आकार बदलने वाली जादूगरनी। मैं तुम्हें उसकी दहलीज तक लेकर जाऊंगी। ये क्या जगह है? इधर खतरनाक गुनेगार और ठग रहते हैं। तुम एक वांटेड गुनेगार हो? इसमें हैरानी की क्या बात है? मदद क्यों करें? हम कमिलियन को हरा सकते हैं मिलकर। मेरी पटाखों के साथ जरा संभाल कर बच्चों, ड्रैगन योद्धा होना खेल खत्म। आध्यात्मिक गुरु होना क्या होता है मुझे ठेंगा नहीं पता। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक कुकी। तुम्हें चुना गया था ताकि तुम आज जो हो उससे बेहतर बन सको। क्या धीरे धीरे दर्द देकर? तो ये कैसे किया जाए जल्दी जल्दी बिना दर्द के? कमिलियन, तुम और मैं इतने अलग नहीं है। होगा जम के मुकाबला। खत्म। पीछे हटो, अब मैं बजाऊंगा अपनी खुद की बैंड। हेलो दोस्तों, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं कुंग फू पांडा मूवी की एक ट्रेलर है और ये मूवी रिलीज होने की सबसे ज्यादा इच्छा बच्चों के अंदर थी क्योंकि ये मूवी एक कार्टून पर आधारित किया गया है और ये मूवी शिवरात्रि के दिन 8 मार्च 2024 को रिलीज होने वाली है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के इस मूवी के बारे में बताते हैं कि क्या है इस मूवी की खासियत। इस मूवी में पो पिंग नामक का एक पांडा है जिसके ऊपर पूरी कहानी आधारित है। पो पिंग पांडा अपने पिताजी के नूडल्स के दुकान में काम करता है लेकिन पो पिंग पांडा एक कुंग फू चैंपियन बनने का सपना देखता है। एक दिन पो पिंग को पता चलता है कि अपने गांव में एक ड्रैगन योद्धा नामांकित करने के लिए उसके गांव में एक टूर्नामेंट मेजबानी कर रहे हैं तो वह उत्सव देखने के लिए जेड प्लस में जाता है और वो टूर्नामेंट देखने के बाद उसके अंदर भी एक भावना जग जाती है और वो भी सोचता है कि मुझे भी कुंग फू चैंपियन बनना है। और उसके बाद उस टूर्नामेंट में पिंग पोंग भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद वो विजेता बन जाते हैं लेकिन उस विजेता से सिर्फ वो अपने गाँव का ही चैंपियन बनता है लेकिन उसका चैंपियन बनने का सपना तो पूरे वर्ल्ड में है और वो ऐसे ही टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते करते विजेता बनते गए और एंड में पोपिंग का सपना पूरा हुआ और वो पूरे वर्ल्ड में कुंग फू का चैंपियन बन गया और आखिरकार उसे नाटकीय रूप से भविष्यवाणी ड्रैगन योद्धा के रूप में उनको चुना जाता है और वो कुंग फू का मास्टर बन जाता है। इस श्रृंखला में प्राचीन चीन को ऐसे चित्रित किया गया है जिसमें बोलने वाले जानवर रहते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।